गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, आप सभी का आज की जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को, आपके परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो ये त्योहार है, आप सबके लिए मंगलमय हो, हम यही कामना करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम रोज 12 बजे एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सबके लिए लेकर आते हैं, जिसमें आपको जानकारी मिलती है डीएक्सएन के बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में। बेहतरीन मोटिवेशन आपको इस प्रोग्राम के द्वारा दी जाती है और भी बहुत सारी चीजें इस प्रोग्राम के द्वारा आप सबको मिलती हैं। इसी कड़ी में आज जो हमारे गेस्ट हैं, आज की जो हमारी स्पीकर हैं, उनको बुलाने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट की जो जानकारी है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। जो कि हमारा एक बहुत ही हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, जिसको मैं कहूंगी, और उसको आप शेयर कर सकते हैं हमारे आपके सभी परिवार वाले लोगों के साथ, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ भी आप एक खुशी जाहिर करना चाहते हैं, एक अच्छी कन्वर्सेशन शेयर करना चाहते हैं, उसको इस ड्रिंक के थ्रू भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। कैन वी हैव द पीपीटी प्लीज? दोस्तों, तो मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता दूं। ये एक हमारे डीएक्सएन का बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसका नाम है डीएक्सएन कम्बुचा। ये एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है, जो आपकी जो गट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में, आपकी जो भी स्टमक की इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने में आपको हेल्प करता है। आप इस ड्रिंक को डेली कंज्यूम करिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अपने नियर डियर वंस के साथ इसको शेयर करिए, और इसके बेनिफिट्स आपको बहुत ही जल्दी इंस्टेंट देखने को मिल सकते हैं। कि जो आपके जो डाइजेशन का इश्यू रहता है, आप उसको इस ड्रिंक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अभी कंपनी ने इसके ऊपर एक ऑफर भी दिया है कि अगर आप 14 बॉटल्स का पैक अगर आप परचेज करते हैं, 2 बॉटल्स आपको फ्री मिलती हैं, तो आपको इसमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे कि अगर आप इसको परचेज करते हैं। और जो हमारा रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो
है, अगर आप उसके बीच में भी इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो इसके पीवी भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा ऑफर है, बहुत अच्छी ड्रिंक है और फेस्टिवल्स भी चल रहे हैं, तो आप इस ड्रिंक के साथ अपने फेस्टिवल्स को और बेटर बना सकते हैं, अपनी हेल्थ को और बेटर बना सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं हमारे आज के ट्रेनिंग सेशन की तरफ, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी डॉक्टर स्मिता सुनावने जी को। मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक थैंक यू सो मच तानिया, यू। गुड मॉर्निंग। ओके सो स्टार्ट करें। यस यू मे स्टार्ट। यस यस ओके। गुड मॉर्निंग ऑल। सबसे पहले मैं आप सबको धनतेरस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और आज और एक स्पेशल डे है धनतेरस के साथ। आज राष्ट्रीय आयुर्वेदा डे है, जो धनतेरस के दिन ही सेलिब्रेट होता है। तो आप सभी को नेशनल आयुर्वेदा डे का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नेशनल आयुर्वेदा डे है, और इसी डे पे हमारा एक आयुर्वेद के बेहतरीन कंटेंट्स का, ये फॉर्मुलेशन का, ये जो हमारा प्रोडक्ट है आज हेल्दी बोन्स, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं, हेल्दी बोन्स के बारे में आपको अभी जानकारी दूंगी मैं। तो हेल्दी बोन्स हमें क्यों जरूरी है, राइट? तो आज तक हमने देखा है कि स्ट्रांग माइंड जरूरी है, माइंड पॉजिटिव एटीट्यूड इम्पॉर्टेंट है, ओके? और स्ट्रांग बॉडी, बॉडी के रिलेटेड भी हम देख रहे हैं कि बॉडी हमारी हेल्दी होनी चाहिए। RGGL स्पिरुलिना से हम उसको हेल्थ उसकी मेंटेन रखते हैं, ओके? तो स्ट्रांग माइंड, स्ट्रांग बॉडी एंड स्ट्रांग एक्शन नीड स्ट्रांग बोन्स। अगर हमारे शरीर में बोन्स नहीं होते तो हमारा शरीर यहाँ से वहां तक मूवमेंट भी नहीं कर पाता। आप देखते होंगे जिनके बोन्स ऑलरेडी वीक हो चुके हैं, उनको भी आपने देखा होगा आपके आसपास कि वो मूवमेंट भी नहीं कर सकते यहाँ से वहां। तो हमारा जो ये मूवमेंट है या फिर जो भी फंक्शन है बॉडी के, तो वो बोन्स के ऊपर कितना निर्भर करते हैं। तो इसीलिए हमें हेल्दी बोन्स और स्ट्रांग बोन्स की बहुत जरूरी है। और ये हेल्दी बोन्स इसमें बहुत ही फायदेमंद है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं आगे जैसे हमारा सेशन चलेगा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो हेल्दी बोन्स मेन नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट है। इसमें ज्यादा जो हमारे फोर कंटेंट्स है उसमें कैल्शियम का ज्यादा मात्रा है, क्योंकि कैल्शियम जरूरी होता है हमारे बोन्स के लिए, बालों के लिए, नाखूनों के लिए, दांत के लिए, मसल्स के लिए, इतनी सारी चीजों के लिए कैल्शियम की इम्पोर्टेंस है। और आजकल हमने देखा है कि जैसे 20s में भी अगर हम देखते हैं यंग जनरेशन में या फिर टीनेजर्स में भी कभी लो बैक पेन होता है या फिर मसल क्रैम्स आने लगते हैं, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। आजकल कैल्शियम डिफिशियंसी बहुत ज्यादा दिख रही है, और कैल्शियम जब डिफिशियंसी होती है तो दो ही ऑप्शन होते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन शुरू करते हैं या फिर कैल्शियम इंजेक्शन भी होते हैं जिनको बहुत डिफिशियंसी डिजनरेटिव चेंजेस है। लेकिन कैल्शियम में भी ये ऑब्जर्व किया होगा आपने, जो कैल्शियम बहुत एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, उसको लोग कंटिन्यू नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा कैल्शियम इसमें नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम है। तो इसमें एब्सॉर्ब होने का कुछ भी इश्यू नहीं है, एब्सॉर्बेशन अच्छा होता है, क्योंकि ये नेचुरल आयुर्वेद में जो बताए गए हैं कैल्शियम के स्रोत, उससे ये बनाया गया कैल्शियम है। इसलिए लोग भी मुझे पूछते हैं कि जैसे हम बाहर के कैल्शियम को गैप देते हैं, वैसे हमारे कैल्शियम टैबलेट्स को गैप देने की जरूरत है क्या? तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल कैल्शियम है। और उसके साथ और क्या क्या इसके कंटेंट्स है मैं अभी आपको आगे बताऊंगी आगे की पीपीटी में। तो हम जैसे कि मैं हर बार सप्त धातु के बारे में कहती हूँ, तो सप्त धातु का कंसेप्ट मैंने जब मेरा ब्राह्मी का सेशन था तभी भी बताया था, लेकिन अब मैं आपको ये सप्त धातु आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये हमें अस्थि का इम्पोर्टेंस होना बहुत जरूरी है। अस्थि मतलब बोन्स, तो आपको दिख रहे हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सप्त धातु है। अगर ये सप्त धातु नॉर्मल रहे तभी हम स्वस्थ कहलाते हैं। सभी सातों धातु तीनों दोष अगर सम अवस्था में रहते हैं उसी को स्वस्थ कहते हैं, ऐसा आयुर्वेद में उसका डेफिनेशन दिया गया है।
तो ये सप्त धातु आप देखिए, उसका कोरिलेशन भी मैंने दिया है, जैसे रसक और प्लाज्मा, उसका काम होता है नरिशिंग मेन। हम चलते हैं जैसे रस धातु अगर अच्छा पोषित हो गया, उसके बाद रक्त होता है, फिर मांस, फिर मेद और फिर अस्थि। अस्थि धातु हेल्दी बोन से कंसर्न है, तो बोन्स का मेन काम क्या है, स्टेबिलाइजिंग, स्टेबिलाइज करना हमारे पूरे बॉडी को, एक सपोर्ट देना, वो काम अस्थि धातु का होता है। लेकिन अस्थि धातु बनता कैसे है, मेद धातु से बनता है। मेद धातु मतलब हेल्दी फैट टिश्यू, उसका काम है ऑयलिंग एंड लुब्रिकेशन। अगर ऑयलिंग और लुब्रिकेशन कम हो गया तो बोन्स में पोरोसिस शुरू होता है, मतलब ड्राइनेस शुरू होती है। तो लास्ट वीक में जो अगर आपने मेरा सेशन सुना होगा तो आपने देखा होगा सी बकथॉर्न मेद धातु के ऊपर काम करता है। तो मेद धातु हमें इसकी वजह से इम्पोर्टेंट है कि सी बकथॉर्न के साथ अगर आप ये भी हेल्दी बोन्स चालू करें, तभी वो मेद धातु के बाद अस्थि धातु का पोषण होगा, और अस्थि धातु के बाद ये मज्जा धातु, बोन मैरो, इसको हम ब्रेन टिश्यू कह सकते हैं। ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर है, या फिर हमारे बोन्स के अंदर जो कैविटीज होती है जहां से आरबीसीज प्रोड्यूस होती है, उसको मज्जा धातु कहते हैं, बोन मैरो। तो उसका पोषण भी अस्थि धातु से होता है। तो ये कोरिलेशन, ये सिर्फ हेल्दी बोन्स आपके बोन्स पे काम नहीं करेगा, ये पूरे ओवरऑल आपके ब्रेन के टिश्यूज पे भी काम करेगा और आपके बोन मैरो पे भी काम करेगा। और उसके बाद मज्जा से ही बनता है शुक्र, मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए। शुक्र धातु अगर अच्छा होता है तो सप्त धातु का जो सार है हमारा वो अच्छे से बनता है। तो ये मैंने एक जनरल सप्त धातु का कंसेप्ट मैंने आज क्यों बताया आपको, क्योंकि आज राष्ट्रीय आयुर्वेदा डे है और आयुर्वेद का ये बेसिक प्रिंसिपल्स है, सबको समझना जरूरी है। और अस्थि धातु के ऊपर हमारा आज का लेक्चर है, बोन्स, हेल्दी बोन्स के ऊपर, तो ये कोरिलेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। चरक संहिता में जैसे मैंने कहा कि अस्थि धातु मेद धातु से बनता है और उत्तरोत्तर धातुवाग्नि उसको बनाती है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, एक के बाद एक धातु बनता है। और बोन्स के साथ में हमारे बाल, नाखून, दांत, ये भी चीजें बनती है, क्योंकि अस्थि धातु का ही उपधातु है। कभी भी आपने देखा होगा ऑस्टियोपोरोसिस, और जिनका कैल्शियम का लेवल कम है उन लोगों में हेयर फॉल दिखता है, या फिर उनके नेल्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, या फिर दांतों में कोई सा लेयर तैयार होता है, कभी ब्लैकिश लेयर, ये सारी चीजें, या फिर दांतों में जो है ज्यादा गैप होने लगता है। तो आप इससे पता चलेगा आपको कि ये कितना इंपॉर्टेंट है बोन्स अच्छे बनना, क्योंकि ये सारे उसके उपधातु है, बाल, नाखून और दांत, ये सारी चीजें। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ आपका लिक्विड न्यूट्रिएंट्स कैसे जा रहे हैं, लिम्फ है, ब्लड है, मसल सेल, स्किन लेयर है, वहां से न्यूट्रिशन आपके बोन्स को कैसे जा रहा है, उसके ऊपर बोन्स की हेल्थ बहुत डिपेंड करती है। इसलिए हमें रेगुलर न्यूट्रास्यूटिकल ऐड करने हैं हमारे डेली इनटेक में। ओके, आयुर्वेद में दोष धातु और मल, ये इसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया। अस्थि धातु में जो अगर पंच महाभूतों का हमने जिक्र किया, तो पृथ्वी और वायु धातु, पृथ्वी का गुण है स्थिर रहना, तो स्थिर रहना और बोन्स के बीच में होता है बोन मैरो, मतलब वायु धातु, वायु का वहां पे स्थान होता है। तो पृथ्वी और वायु, ये दो पंच महाभूत हमारे अस्थि धातु से निगड़ित है। तो जब भी आपने पंच महाभौतिक ट्रीटमेंट भी देखी होगी तो ये पृथ्वी और वायु सेम लेवल पे होना इम्पोर्टेंट है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, अस्थि धातु कम होने लगता है, ब्रिटल बोन्स होने लगते हैं। अगर ब्रिटल बोन्स हो गए तो फ्रैक्चर का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी चलते फिरते भी हम देखते हैं कि जस्ट पैर स्लिप हो गया और वहां का हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है, या फिर थोड़ा फ्रैक्चर हो जाता है। क्यों होता है ऐसी चीजें, क्योंकि ऑलरेडी उनके बोन्स ब्रिटल हो गए हैं, इसकी वजह से वो फ्रैक्चर बहुत जल्दी से हो जाता है। हमारा अस्थि धातु ये मेन स्थान है, बायोलॉजिकल सीट, बायोलॉजिकल एयर जो है ना, वात दोष, जो तीन दोष है, वात, पित्त और कफ, उसमें जो वात दोष है उसका स्थान बोन्स बताया है। जब भी आपको बोन्स से रिलेटेड तकलीफ होती है, जैसे कि संधिवात, आम वात, ऐसी चीजें, या फिर गाउट, उसको आयुर्वेद में यही कहा जाता है कि आपका वात दोष बढ़ा हुआ है, आपको वात की समस्या हो गई है, क्योंकि वात दोष का मेन स्थान हमारा बोन्स बताया गया है। तो जैसे आपका वात दोष शरीर के अंदर बढ़ेगा, उतना बोन्स, बोन और बोन डेंसिटी में डिक्रीज होगा, बोन्स और ब्रिटल होते जाएंगे। तो दोष
हमें जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट्स है जो हमारे तीनों दोषों को समान अवस्था में रखते हैं। दोषों की बात चलती है तो सिर्फ वात दोष के ऊपर ही नहीं, वात दोष का स्थान मेन है, लेकिन वात के साथ अगर पित्त और कफ भी ज्यादा बढ़ गए तो क्या क्या लक्षण दिखते हैं, जिसका मैं आपको पीपीटी में दिख रहा है, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डीप चीजें हैं जो आयुर्वेद में बताई गई है। और सिर्फ हेल्दी बोन्स, हम ये जानते हैं कि हेल्दी बोन्स हेल्थ बोन्स की हेल्थ के लिए होना चाहिए, लेकिन वो बोन्स की हेल्थ अगर हमारे ये तीनों दोष नॉर्मल अवस्था में रहते हैं तब ये बोन्स की हेल्थ अच्छी रहती है। जब बोन्स में वात दोष बढ़ता है तब ये लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि स्टिफनेस है, क्रैकिंग ऑफ जॉइंट्स, चलने में, उठने में, बैठने में, बोन्स में तो आवाज आती है, कड़कड़ जैसे आवाज आती है, या फिर जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना उनके भी घुटनों में से आवाज आती है अगर वो मूवमेंट करते हैं, वीक और ब्रिटल बोन्स होते हैं, बाल उनके झड़ने लगते हैं या फिर थिन हो जाते हैं, नेल्स के अंदर रीजेस बनने लगती है, नाखून टूटने लगते हैं, तो ये वात दोष अगर ज्यादा बढ़ गया अस्थि धातु में वो दिखता है। पित्त दोष अगर ज्यादा बढ़ता है तब आपको जॉइंट के जगह पे उष्ण स्पर्श दिखेगा, कभी कभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आम वात, गाउट के पेशेंट्स में आप उस जॉइंट के ऊपर हाथ रखते हो तो आपको उष्ण स्पर्श दिखता है और वहां पे स्वेलिंग होती है, जॉइंट डिस्कम्फर्ट होता है, दांतों में भी सेंसिटिव टीथ हो जाते हैं, क्योंकि आपके अस्थि धातु में पित्त दोष बढ़ा हुआ है। प्री मैच्योरली ग्रेइंग ऑफ हेयर, ये हमारे अस्थि धातु से निगड़ित है, मतलब आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों में स्कूल के टाइम से उनके बाल जो सफेद होते जा रहे हैं, तो ये अस्थि धातु से और कैल्शियम से संबंधित है। तो ये पित्त दोष जब बढ़ता है अस्थि धातु में तब ये आपको लक्षण दिखाई देगा। कफ धातु जब बढ़ता है तब वो एनलार्ज बोन दिखाता है, जैसे कि लॉर्डोसिस में आप देखते हो, या फिर हील में कहीं स्पर उगने लगता है और हील पेन शुरू होता है, या फिर दांतों के ऊपर प्लाक शुरू हो जाता है, जैसे कि लेयर बन जाते हैं दांतों के ऊपर, तो ये कफ दोष बढ़ने की वजह से होता है। तो ये वात दोष, पित्त और कफ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें जानना, क्योंकि आपको आगे जाके हेल्दी बोन्स कैसे काम करता है ये खुद को भी समझ के लेना है और जो आपके डाउन लाइन है उनको भी समझाना है, इसलिए आपको ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद का मैं रेफरेंस यहाँ पे दे रही हूँ, अस्थि वृद्धि का लक्षण, मतलब जो धातु है उसके लक्षण बताए गए हैं, धातु कम होने के बाद भी क्या होता है और ज्यादा होने के बाद भी क्या होता है, ये लक्षण हम अपने आसपास दिखते हैं लेकिन हमें वो पता नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो इसमें अस्थि वृद्धि का लक्षण सुश्रुत संहिता, जो आयुर्वेद के बृहत्त्रयी में बहुत इंपॉर्टेंट संहिता है, उसमें वर्णन किया है अधि अस्थि और अधि दंत। अधि अस्थि मतलब हाइपरट्रॉफी ऑफ बोन, बोन्स के ऊपर बोन्स कभी आ जाता है, या फिर अधि दंत, दांत के ऊपर दांत आ जाते हैं, आपने देखा होगा कि दांत की मिस अलाइनमेंट होती है, एक दांत नहीं निकला कि उसके ऊपर दो दो दांत, तीन दांत ऐसे आ जाते हैं, उसको एक्स्ट्रा फॉर्मेशन ऑफ टीथ कहते हैं, अधि दंत कहते हैं, वो अस्थि धातु बिगड़ने की वजह से होते हैं, वृद्धि होने की वजह से होती है। ये आपको इमेज दिख रही होगी, ये नॉर्मल हमारा कर्वेचर है, अगर अस्थि धातु बढ़ जाता है, अस्थि वृद्धि हो जाती है तो काइफोसिस दिखता है या फिर लॉर्डोसिस दिखता है, मतलब जो नॉर्मल कर्वेचर है हमारे लंबा स्पाइन का वो कम हो जाता है, हंच बैक दिखती है, कभी कभी आपने देखा होगा पीठ की बाजू एकदम से बाहर निकल आती है, या फिर बोनी प्रोट्यूबरेंसेस दिखते हैं, तो ऐसी चीजें जब अस्थि धातु बढ़ जाती है तब दिखता है। अस्थि वृद्धि तो देखा हमने, तो अस्थि क्षय के भी हमें पेशेंट्स मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो अस्थि क्षय में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों में ये वर्णन किया है, अस्थि तोद मतलब हमारे अस्थि के जगह पे सूजन होना, अर्थराइटिस जैसी कंडीशन, गाउट जैसी कंडीशन, वीकनेस होता है बोन्स मसल्स में वीकनेस, द्विज प्रपतन, इसका मीनिंग होता है कि दांतों का गिरना, आप देखते हो कि जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे अस्थि धातु कम होता जाता है और एल्डरली पीपल के दांत गिरते हैं, इसकी वजह वही है कि उनका अस्थि धातु का क्षय हो रहा है, भगना मतलब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं, या फिर रिकेट्स जैसी चीजें, या फिर थिनिंग ऑफ बोन्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये आपको इमेज दिख रही है, यहाँ पे देखिए बोन्स इतना थिन हो गया है, तो ये सिर्फ अस्थि क्षय की वजह से है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑस्टियोमेलाइटिस का इमेज, इसमें हमारा बोन इतना स्ट्रांग होता है कि
ऐसा कहा जाता है कि बोन्स बहुत दिन तक रहता है, अगर हम भी चले जाते तो बोन्स और नाखून हमारे इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो बहुत दिन तक रहते हैं, लेकिन वो इतना पोरस हो गया है, इतना खोखला हो गया है कि वहां पे इन्फेक्शन, स्टैफिलोकोकस ओरियस जैसे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो जाता है, उससे आपको बोन कैंसर जैसी चीजें दिखती है, ऑस्टियोमेलाइटिस जैसी चीजें दिखती है। तो ये सारी चीजें कब होती है, जब आपकी बोन्स की डेंसिटी बहुत वीक हो चुकी है। जनरल सिम्टम्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं यहाँ पे, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर स्प्रेन है, बैक पेन, नेक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारी लक्षण हमें दिखाई देती है। ये आपको नॉर्मल बोन दिख रहा है और ये ऑस्टियोपोरोसिस वाला बोन दिख रहा है जिसमें बहुत सारी आपको पोर्स दिख रहे हैं, क्योंकि ये बोन ब्रिटल होते जा रहा है धीरे धीरे। ये ब्रिटल कैसे होगा, अगर कैल्शियम लॉस लॉस तो होता है, रोज के रोज लॉस होता है, लेकिन वो लॉस को हम पूरा कुछ सप्लीमेंट नहीं देते भरने के लिए, तो वो लॉस होते जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब ये बोन पोरस और पूरा खोखला हो जाता है, तो ये कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन दिखाई देती है। ये टाइप्स ऑफ बोन सेल्स है जिसमें ऑस्टियोब्लास्ट हमें दिख रहे हैं। टाइप्स ऑफ बोन सेल्स मैं थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म लेवल पे काम करता है। ये आपको बोन की इमेज दिख रही है। ऑस्टियोब्लास्ट हमें जरूरी है न्यू बोन टिश्यू तैयार होने के लिए। हमारे बोन्स में 99% कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोन सेल्स अच्छे से बनने में। ऑस्टियोसाइट्स जो है वो हमारे लीविंग टिश्यू जो होता है बोन्स में उसको हेल्दी रखने में मेंटेन करता है। ऑस्टियोक्लास्ट जैसे काम करता है कि अनवांटेड टिश्यू है वो उसको रिमूव करना और एब्सॉर्प्शन करना, वो ऑस्टियोक्लास्ट का काम होता है। हिमाटोपोएटिक ये बोन मैरो में पाया गया है। हिमाटोपोएटिक मतलब अस्थि के अंदर ही हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये जो भी ब्लड सेल्स है ना वो तैयार होते हैं, तो ये हिमाटोपोएटिक सेल्स भी अच्छे से बनना ये अस्थि का काम है। इसी की वजह से हमारा अस्थि धातु अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन्स का फंक्शन ये है कि हमारा मूवमेंट करना, चलना फिरना, या फिर हमें स्टेबिलाइजिंग देना, एक स्टेबल स्ट्रेचर देना। लेकिन बोन्स के और भी फंक्शंस है जो आपको, बहुत से लोगों को पता नहीं होंगे। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को वो प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको हमारा स्कल प्रोटेक्ट करता है, वो अस्थि धातु से बना है। ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, मिनरल्स या स्टोरेज का काम करता है, और हमारा फैट भी स्टोर का काम अस्थि धातु करता है। मूवमेंट अच्छे से होने में भी वो काम करेगा अच्छे से। अगर आपको किसी भी इंसान में देखना है ना, अगर आपको कैल्शियम की टेस्ट नहीं करनी या फिर किसी इंसान का देखना है इसका कैल्शियम अच्छा है या नहीं है, तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे वो लक्षण उसमें दिखने चाहिए। तो ये साइंस है हेल्दी अस्थि धातु के और हेल्दी बोन्स के। तो आप कैसे जानोगे किसी आगे इंसान की बोन्स अच्छे हैं या नहीं है, उसमें आपको करेक्ट पोस्चर होना इम्पोर्टेंट है, गुड बोन डेंसिटी होना इम्पोर्टेंट है, और जैसे वो मूवमेंट करते हैं विथ स्ट्रेंथ करते हैं, या फिर वो थक जाते हैं, या नॉर्मली वो वॉक कर सकते हैं, या फिर कहीं पे पेन होता है नहीं होता है, उनका पेशेंस कितना है, उस पे हम पता लगा सकते हैं उनका अस्थि धातु ठीक है या नहीं। स्ट्रॉन्ग टीथ, दांतों में भी, दांतों से भी हम पता चल सकता है कि अस्थि धातु अच्छा है या नहीं। नेल्स से, जैसे मैंने कहा कि नेल्स में भी रीजेस होना या फिर नेल्स भी गिरना, ये चीजें दिखाई देती है अगर अस्थि धातु कम होता है तब। तो स्मूथ नेल्स है और उसके साथ थिक और लस्ट्रस हेयर्स, बाल जिनके अच्छे है ना उनसे आप पता चल सकते हो। अगर आपको ड्राई बाल दिख रहे हैं या फिर ऐसे बहुत थिन बाल हो चुके हैं या फिर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो तभी भी आप जान सकते हो कि इनका अस्थि धातु हेल्दी नहीं है। तो ये सारे क्राइटेरियाज है हेल्दी अस्थि धातु के। तो ये सब क्राइटेरियाज अच्छे से रहने में हमें हेल्दी बोन्स बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो अब तक मैंने अस्थि धातु के बारे में बताया, अभी आगे हम बात करेंगे हमारा मेन इसके अंदर जो कंटेंट्स है ना इसके बारे में। लेकिन एक 2 मिनट वेट करते हैं आप, तब तक ये नंबर नोट डाउन करिए। हमारा क्लिनिक का नंबर है डीएक्सएन क्लिनिक का, हमारा हर बुधवार को फ्री कंसल्टेशन होता है 10 से 4 के बीच में। 1 मिनट के लिए मैं रुकती हूँ, आप नंबर नोट डाउन करिए। ओके।
ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने लास्ट स्लाइड में भी नंबर शेयर किया है, वो आप वहां पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी अस्थि धातु के बारे में आपने जाना, ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस है, एक बेसिक प्रिंसिपल है आयुर्वेद का, तो इसलिए अब तक का बोन्स रिलेटेड जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं इसके मेन कंटेंट के ऊपर। मेन हमारा इसमें कैल्शियम है, ये 500 mg की हमारी कैप्सूल है, उसमें कैल्शियम, नेचुरल कैल्शियम 350 mg है। ओके, कैल्शियम के एग्जैक्टली फंक्शंस क्या है उसका मैंने एक थोड़ा सा आपको बताया यहाँ पे। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करना, ये हमारे कैल्शियम का काम है। कभी कैल्शियम कम होता है तो मसल क्रैम्प होना, और आपको मैं बता दूँ हमारा हार्ट भी जो है ना वो मसल से बना हुआ है, ये तो मसल हार्ट का भी पंपिंग अच्छे से होना ये कैल्शियम के ऊपर डिपेंड करता है। बोन्स का स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि बोन्स में 99% कैल्शियम से बना होता है। सेल्युलर मेटाबॉलिज्म, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे जो सेल्स बनते हैं आरबीसी प्लेटलेट्स बोन मैरो में बन जाते हैं, तो ये बोन मैरो में सेल्युलर मेटाबॉलिज्म अच्छे से करना, ये कैल्शियम का काम है। वुंड हीलिंग, अगर किसी की वुंड अच्छे से नहीं भर के आ रही है तो वुंड हीलिंग का काम कैल्शियम करता है। और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, जो भी हमारे नर्व्स के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये नर्व है, तो अगर हमें कभी कभी भी गर्म लगता है, ठंडा लगता है, या कोई भी सेंसेशन हमारे ब्रेन से पूरे शरीर में कहीं पे जाना है, तो हमारा नर्व इम्पल्स अच्छा होना इम्पोर्टेंट है। तो कभी नर्व डिफॉर्मिटी में, या फिर कभी कभी नस दब जाती है, उसको सियाटिका कहते हैं, ऐसे कंडीशन में भी कैल्शियम हम दे सकते हैं। या फिर डिजेनरेटिव चेंजेस, अल्जाइमर से, पार्किंसन से, जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस है ना, डिमेंशिया ब्रेन से रिलेटेड, उनको भी ये हेल्दी बोन्स बहुत जरूरी है, क्योंकि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम मेन है स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ और हेयर्स के लिए। और बच्चों में ग्रोथ पीरियड, जैसे कि पुबर्टी के टाइम में छोटे छोटे बच्चों को, तो ये कैल्शियम इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है। कभी कभी डिफिशियंसी के वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो पोबर्टी में मेनली ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि वहां पे उनका बोन्स का कैल्सिफिकेशन शुरू होता है। आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों का बोन्स का कैल्सिफिकेशन जल्दी से नहीं हो जाता, तो उनका कैल्सिफिकेशन का वो लेवल होता है। तो बच्चों में तो ये जरूर देना चाहिए उनका ग्रोथ अच्छे से होने के लिए। अगर ग्रोथ नहीं होती अच्छे से उस दौरान, अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, तो उनका ग्रोथ में इम्पैक्ट हो सकता है। और कैल्शियम अगर कम होता है तो ऑस्टियोपीनिया, जो ऑस्टियोपोरोसिस की पहली स्टेज है, अगर आपने कभी भी बोन मैरो डेंसिटी चेक की होगी, तो लगभग 10 लोगों ने अगर चेक की है तो 7 लोगों को ऐसा डायग्नोसिस मिलता है कि उनको ऑस्टियोपीनिया है, मतलब उनकी बोन डेंसिटी जो है ना वो बहुत कम हो चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम, कि आपकी बोन डेंसिटी को वो बढ़ा दे। ओके, तो कैल्शियम डिफिशियंसी अगर होती है तो ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि फ्रिक्वेंट फ्रैक्चर्स है, ड्राई स्किन है, टूथ डीके, या फिर इरेगुलर हार्ट बीट। मैंने जैसे पहले कहा कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने में कैल्शियम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसकी वजह से अगर हार्ट को भी कैल्शियम कम हो जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट्स दिखाई देते हैं, क्योंकि कैल्शियम इंपॉर्टेंट है हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। या फिर मसल स्पाज्म दिखाई देता है, काफ मसल स्पाज्म, या फिर हाथों में कभी कभी स्पाज्म दिखाई देता है, कि वो बीच में काम करते करते स्टिफनेस आ जाता है और वो बाकी लोग काम नहीं कर पाते आगे जाके, ऐसा स्टिफनेस दिखाई देता है। कैल्शियम एक मेन कंटेंट है इसमें, और ये जो हमारा कैल्शियम है वो नेचुरल कैल्शियम है, जो आयुर्वेद में सुधा वर्ग कहा गया है, जो एब्सॉर्ब होने के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, तो ये कैल्शियम बताया गया है। दूसरा उसका कंटेंट है गिलोय, तो गिलोय 50 mg है इसके अंदर। गिलोय का मेन काम है आम पाचन और अग्निदीपन। आम पाचन मतलब जो भी इनडाइजेस्टेड फूड है वो उसको डाइजेस्ट करना, और अग्निदीपन, अग्निदीपन का काम यहाँ पे क्यों जरूरी है, जैसे हमने पहले देखा है कि रस धातु का अग्नि अच्छा होगा तो रक्त धातु बनेगा, रक्त धातु का अच्छा होगा तो मांस धातु, ऐसे हर एक धातु का धातु अग्नि अच्छा रहना बहुत जरूरी है, जिसका काम गिलोय करेगी। और गिलोय को एक रसायन कहा गया है आयुर्वेद में, बेस्ट रसायन।
आम पचन इसलिए कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आपने देखा होगा कि फीवर आता है, अगर फीवर ज्यादा आने लगता है तो उसकी मेन रीजन होता है आम, मतलब इनडाइजेस्टेड फूड जो शरीर के अंदर पेट के अंदर रहता है वो धीरे धीरे रस के थ्रू हमारे बोन्स के जगह पे जाके रुकता है, उसकी वजह से आपको आमवात में जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बोन्स के जगह पे स्वेलिंग है, रेडनेस है या फिर उष्ण स्पर्श ये दिखाई देता है, तो वहां पे आम पाचन होना इम्पोर्टेंट है। और एक पेशेंट्स हम देखते हैं बार बार, यूरिक एसिड के पेशेंट, यूरिक एसिड जिनका भी ज्यादा हो गया है, यूरिक एसिड एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो शरीर के बाहर निकलना चाहिए, जो हमारे शरीर के अंदर सैचुरेट होता है, और गिलोय उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है कि यूरिक एसिड को शरीर के बाहर निकालने के लिए, जो भी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो रहा है हमारे जॉइंट्स के अंदर, तो उसमें गाउट जिसे कहते हैं, गठिया जिसे कहते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है गिलोय। गिलोय रसायन द्रव्य है, ये आपको इमेज यहाँ पे जो दिख रही है ना, ये गाउट की आपको दिख रही है। गाउट कभी भी अगर अटैक करता है, स्टार्ट करता है वो हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स से, पैरों के हैं या फिर हाथों के हैं, वो यहाँ पे जाके ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स रहते हैं, और क्रिस्टल्स एक बार जमा हो गए तो फिर पेन शुरू होता है, फीवर शुरू होता है, इन्फ्लामेशन शुरू होता है, रेडनेस। और जब भी आप ब्लड टेस्ट करते हो यूरिक एसिड का, तब आपको पता चलता है कि यूरिक एसिड नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ गया है। तो ये गाउट की कंडीशन होती है, आप देख रहे हो इमेजेस में। इसलिए गुडुचि के ये जो वर्णन बताया गया आयुर्वेद में, बल्य मतलब स्ट्रेंथ देता है, त्रिदोषों को कम करता है, त्रिदोषों को कम करेगा, इसका मतलब जो सिम्टम्स मैंने पहले आपको बताए थे, वात पित्त और कफ बढ़ने से क्या क्या हमें लक्षण दिखते हैं वो भी कम करेगा, क्योंकि ये तीनों दोषों के ऊपर काम करता है। ये इन्फ्लामेशन है, इडिमा वहां का है, उसको कम करेगा। वात शोणित हर मतलब वात रक्त, गाउट ये जो डिसीज बताया गया है वात और रक्त का डिसीज है, तो ये वात के ऊपर और रक्त के ऊपर भी काम करता है, तो इसलिए गाउटी अर्थराइटिस में ये अच्छा काम करेगा और इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि ये रसायन है। गुडुची रसायन के बारे में बात की, आमले की तो सबसे श्रेष्ठ रसायन बताया गया आयुर्वेद में, जैसे आमले की पाउडर हमारा चल रहा था तो मैंने बताया है कि चरक संहिता में स्पेशली आमले की के लिए अलग से चैप्टर है, पूरा चैप्टर आमले की के रिलेटेड है। तो आंवला हम सबको पता है कि ये रसायन है, बेस्ट रसायन है, रिजुविनेटिंग है, मतलब नए टिश्यूज जो है वो हमारे बनते हैं अच्छे से, क्योंकि पुराने टिश्यूज निकल जाते हैं, रोज के रोज हमारा नया नया टिश्यूज बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें रसायन की आवश्यकता होती है। आमल की जैसे, गिलोय जैसे, या फिर ब्राह्मी को हम कहते हैं मैध्य रसायन है, वैसे रसायन आमल की हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करता है, क्योंकि अगर आप कैल्शियम ले रहे हो लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है तो उसका एब्सॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा, अगर आपको इनडाइजेशन की शिकायत है तो आपका एब्सॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा, अगर आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो, है ना, इसके लिए आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप जो कंटेंट्स दिख रहे हो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट्स है जो मेटाबॉलिज्म डाइजेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करती है, और आमले की जो टॉक्सिन्स है शरीर के अंदर सैचुरेट हो रहे हैं उसको भी बाहर निकालने में हेल्प करती है। एंटी इंफ्लामेटरी शोथहर कहा गया है आमले की को, और हर एक टिश्यू को वो नरिशमेंट करती है, इसलिए आमले की इसके अंदर जो ये जो फॉर्मुलेशन है उसको चरक संहिता में अस्थि मज्जा पाचक योग कहा गया है, मतलब अस्थि और मज्जा धातु ये दोनों को पाचन करने वाला ये योग है, और ये कॉम्बिनेशन आप सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो बोन्स के ऊपर काम करता है, क्योंकि क्लिनिक में मैंने अभी देखा है बोन्स के रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स होती है लोगों को इसका रिजल्ट बहुत अच्छे से मिला है, क्योंकि उसका रीजन है उसका कॉम्बिनेशन, राइट। और आमले की एंटी एजिंग कहा गया है, डीजनरेटिव डिसीजेस में वो बहुत अच्छे से काम करती है, और ये ओज को बिल्ड करती है। ओज कब तैयार होता है, जो अगर हमारे सप्त धातु अच्छे से बनते हैं उसके बाद हमारा ओज तैयार होता है, और ओज अच्छा होता है तो इम्यूनिटी सिस्टम हमारी अच्छी रहती है। और त्रिदोष शामक है, इसका मतलब जो मैंने सिम्टम्स पहले बताए हैं दोष बढ़ने की वजह से क्या होता है अस्थि धातु में, वो भी ये कम करता है। आंवला आपका पेन रिड्यूस करने में मदद करता है, और ये कार्टिलेज का कुशन है
ना जॉइंट्स के बीच बीच में जो कुशन होता है, हर एक जॉइंट के बीच में एक कुशन होता है ऐसे आप देख रहे हो, उसको वो प्रोटेक्टिव लेयर देता है, प्रोटेक्शन देता है, इसकी वजह से वो कुशन डैमेज नहीं हो जाता। क्योंकि अगर वो कुशन डैमेज हो गया ना तो अस्थि एक के ऊपर ऐसे घिसने लगती है और ज्यादा वहां पे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और पेन बढ़ता है। तो वो कुशन को प्रोटेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि आपके वर्टिब्रल कॉलम में भी जैसे वर्टिब्रल ऐसे है, उसके अंदर उसके बीच में कुशन एक है, वो कुशन क्या काम करता है, आपका शॉक एब्सॉर्बर जैसा काम करता है। जब भी आपको बताया जाता है कि आपके कमर में गैप है या फिर आपकी गर्दन में गैप है, तो इसका मतलब होता है वहां का कुशन जो है वो रिड्यूस हो गया है। तो ये कुशन रिड्यूस ना होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्पाइन आपको ठीक से रखना है और बोन्स के बीच बीच में भी जो कुशन है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें उसके अंदर लिगामेंट्स आ जाते हैं, कार्टिलेजेस आ जाते हैं, ये सारी चीजें आ जाती है अगर हम कुशन की बात करें तो। ठीक है, संधिवात में जैसे उस जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसमें वात दोष ज्यादा बड़ा होता है तो उसमें स्वेलिंग ज्यादा रहती है, तो वो स्वेलिंग कम करने का काम और वात दोष जो बड़ा हुआ है उसको कम करने का काम हमारा आंवला बहुत अच्छे से करता है। उसकी वजह से जो मोबिलिटी है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। और हमारा चौथा और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, आप सबको पता है ये क्या है? जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताए, मुझे देखना है कौन कौन ध्यान से सुन रहा है। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ये कौन सा वनस्पति आपको दिख रहा है अभी, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, 1 मिनट का टाइम देती हूँ मैं। ओके गुड, यस वेरी गुड, सबको पता है ये हड्ड जोड़ है, क्योंकि जो भी कंटेंट्स है वो कैसे दिखते हैं वो हमें पता होना चाहिए। राइट राइट, बहुत सबको पता है हड्ड जोड़। राइट, तो हड्ड जोड़ का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कैसा है, अस्थि के ऊपर अस्थि रखा है ऐसा दिख रहा है ना आपको, तो ये जैसे दिखता है ना वैसे ही अस्थि के ऊपर काम करते हैं। इसको आयुर्वेद में अस्थि श्रृंखला कहा गया है। अस्थि श्रृंखला मतलब ये श्रृंखला, अस्थि की श्रृंखला जैसा इसका स्ट्रक्चर है, इसको अस्थि संहारक भी कहा गया है। अस्थि संहारक मतलब हमारे अस्थि को प्रोटेक्शन देने वाला, और इसको वज्रवल्ली कहते हैं आयुर्वेद में। वज्रवल्ली का मीनिंग होता है हमारे अस्थि को ये वज्र के जैसे स्ट्रॉन्ग करता है। जिनको फ्रैक्चर्स है वो फ्रैक्चर्स हीलिंग में हड़जोड़ बहुत अच्छा काम करता है, इसके नाम में ही हड़जोड़ लिखा है, तो फ्रैक्चर हीलिंग में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अस्थि संधानक का मतलब है हीलिंग प्रॉपर्टीज, अस्थि को हीलिंग करना, इसका एक पर्याय नाम है अस्थि संधानक। तो इसकी वजह से आपको हमारे जो ये इसमें चारों कंटेंट्स है वो कितने बेहतरीन कंटेंट्स है। अभी आपने देखा ये नॉर्मली डाइट में इंक्लूड होता है हड़जोड़, बहुत से लोग जहाँ पे भी ये उगता है ना वहाँ वो डाइट में ही वो इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उसके जो प्रॉपर्टीज है ना उसकी वजह से। तो ये हड़जोड़ भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसका। मेन बात हो गई इसके डोज की, तो इसका डोज नॉर्मली एक एक कैप्सूल आप 2 टाइम ले सकते हो, और बच्चे जो 12 साल के बाद के बच्चे हैं उनको भी आप एक एक कैप्सूल दे सकते हो 2 टाइम, और जो 12 साल के नीचे के बच्चे हैं उनको आप एक कैप्सूल पर डे दे सकते हो। ये बच्चों में भी बिल्कुल सेफ है, और जिनको जस्ट पोस्टपार्टम में या फिर प्रेगनेंसी में भी ये बिल्कुल सेफ है। पोस्टपार्टम में भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ना, तो उस समय में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टपार्टम में जो ब्लड लॉस हुआ है या फिर जो वीकनेस आई है उसमें भी ये बहुत यूज होता है, और स्पेशली लेडीज के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आज का ये हेल्दी बोन्स का सेशन लिया, उसमें बेसिक आपको याद रखना है, की नोट है आपकी, अगर आपको हेल्थ मेंटेन करनी है, स्वस्थ रहना है, तो मेन चीज हमारे बॉडी को क्या देनी है, एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन। अगर आप न्यूट्रिशन अच्छे से देते हो आपकी बॉडी को तभी आप स्वस्थ कहलाओगे, और आप हेल्दी रहोगे तो आपकी फैमिली और आपके जो आसपास के लोग हैं उनको आप हेल्दी रख सकते हो। दूसरी बात है सपोर्टिंग अग्नि, अग्नि का मीनिंग डायरेक्टली हम लेते हैं डाइजेशन की तरफ,
डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे सारी न्यूट्रिएंट्स तभी हमारे बॉडी को हमें मिलेंगे जब हमारा डाइजेशन अच्छे से होगा। और नरिशमेंट रस धातु जो सुपरफिशियल धातु है उसका नरिशमेंट पहले होना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सारे धातु का नरिशमेंट होगा। तो नरिशमेंट अच्छे से होने के लिए हमें रसायन, जो हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स में जो रसायन मेंशन किए हैं, अश्वगंधा है, गिलोय है, आम्ल की, ये सारे रसायन जो है वो ऐड करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सप्त धातु के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद तभी उसके बाद हमारा शुक्र धातु रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो है वो अच्छे से बनेगा। शुक्र धातु सिर्फ मेल्स के लिए नहीं होता, फीमेल्स में भी शुक्र धातु बैलेंस करता है हार्मोनल चेंजेस। ओके, ओवरीज है या फिर यूट्रेस है, ये सारी चीजें रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है वो अच्छे से मेंटेन रहते हैं, तभी आपके सप्त धातु और ओज आपका अच्छे से बिल्डअप होता है। तो डाइजेस्टिव फायर को आप अच्छे से मेंटेन करिए, और कोलोन क्लीन होना इम्पोर्टेंट है, मतलब डाइजेशन अच्छा रहेगा तभी आपका प्रॉपरली रोज के रोज पेट साफ होना ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डाइजेशन के लिए हमारा कोलोन क्लिंजिंग मेथड बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारा आम्ल की, त्रिफला, ये बहुत अच्छे से काम करता है। इन्फ्लामेशन कम होना और प्रॉपर सर्कुलेशन शरीर में, ब्लड वेसल्स में जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन, उसके लिए कैल्शियम इम्पोर्टेंट है। तो हमारा प्रॉपर सर्कुलेशन होने के लिए ब्लड वेसल्स में, तो ये कैल्शियम इम्पोर्टेंट है, और सेल्स को बनाने में भी कैल्शियम इम्पोर्टेंट है, आपने देखा है। तो कैल्शियम का काम सिर्फ बोन्स की तरफ सीमित नहीं रहता, ओवरऑल बॉडी की तरफ सीमित है उसका काम। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अभी मैं आपको और एक बात बता दूं, हेल्दी बोन्स के बारे में तो मैंने अभी बताया, लेकिन और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपका B12 अच्छा रहेगा तभी आपका कैल्शियम एब्सॉर्प्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन से, और B12 हमारा है पैनेक्स जिनसेन में, तो ये रिसर्च से प्रूव हुआ है। आप डायरेक्टली कैल्शियम शुरू करते हो और B12 की कमी है तो कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं होता, तो कभी भी आप शुरू करो ना तो पैनेक्स जिनसेन के साथ हेल्दी बोन्स लो, तभी उसका एब्सॉर्प्शन अच्छे से होगा। ओके, और कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने आज हेल्दी बोन्स के रिलेटेड हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम आपसे क्वेश्चन लेके मैम से पूछ लेंगे। एक क्वेश्चन है मनीष कुमार जी की तरफ से, सर आप अपना माइक जो है अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड जी मॉर्निंग जी सर, मैम, आपका सवाल क्या है? सवाल मैम ये है कि जैसे मैम बताए थे कि ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो उसमें हेल्दी बोन ले जा सकता है, तो मेरा मैम जी थोड़ा कान का प्रॉब्लम है, तो हेल्दी बोन कितना मायने में मैम इसका डोज है मैम? ओके, तो इसका डोज नॉर्मल जो आप एज अ सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो एक एक ले सकते हो 2 टाइम। ओके, अगर डिजेनरेटिव चेंजेस है जैसे कि ऑस्टियो पोरोसिस होता है, कभी कभी बहुत डिजेनरेशन होता है पता चलता है लोगों में, एल्डरली पीपल में भी, या फिर फ्रैक्चर्स है, उसमें दो दो हेल्दी बोन्स आप दे सकते हो। और पेन कभी कभी ज्यादा होता है ना बोन्स में, तभी आप दो दो ले सकते हो कुछ दिन के लिए, और बाकी आप एक एक कंटिन्यू करो नॉर्मल डोज वो। जी तो मैम, जो कान में जो प्रॉब्लम है ना मैम, कान से क्या होता है कि थोड़ा सा सुनाई कम देता है और ओके कान भी ना गूंजता है, ओके ओके, इसमें ये काम करेगा कि नहीं मैम? तो आपको हेल्दी बोन्स के साथ और भी कुछ ऐड करना पड़ेगा आपके जी डेली डाइट में। डीएक्सएन के कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे नंबर दिया था क्लिनिक का, आप उस पे कांटेक्ट करें, आपको प्रॉपर कंसल्टेशन की जरूरत है। तो हेल्दी बोन्स तो इस कंडीशन में आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओ मैम, एक एक मानी कि सुबह शाम करना होगा, सुबह शाम एक एक लेना है। खाली पेट ले सकते हैं मैम? जी, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जैसे कि हम डाइट खाना खाते हैं ना सेम वैसे ही होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स, तो आप खाली पेट भी लो या फिर खाने के बाद में भी लो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ओके, थैंक
थैंक यू मनीष कुमार जी. मैं आप सभी से यू। रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपका कोई भी पर्सनल हेल्थ से लेकर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप जो क्लिनिक का कंसल्टेशन नंबर दिया गया है वेंसडे को कॉल कर सकते हैं आप उस पे. तो अभी हम जनरल क्वेश्चंस ही पिक करेंगे. थैंक यू. ठीक नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है रुखसाना शेख जी से. मैम आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए. रुखसाना जी आपको हमारी आवाज आ रही है. जी गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग मैम. मैम। जितना भी मतलब अभी मैम ने बताया हेल्दी बोन के बारे में थोड़ी जानकारी थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। तो मुझे भी थोड़ा मतलब घुटनों में दर्द है और कमर में थोड़ा पेन वगैरह होता है, तो बस मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इसको मॉर्निंग में मतलब नाश्ते से पहले लेना है या नाश्ते के बाद में, और ओके मतलब तो हम दिन मैं 2 बार ले सकते हैं। जी, तो मैं डोसेज का सबके लिए कॉमन अभी फिर से रिपीट करती हूँ. ओके नॉर्मली इसका डोसेज अगर आप डेली इंटेक करना चाहते हो तो ये एक-एक लीजिए 2 टाइम. ओके एक-एक कैप्सूल 2 टाइम. अगर आपको पेन अनबियरेबल है कि आपको कुछ लोग होते हैं ना जिनको पेन किलर्स की जरूरत होती है तो आप नोनी कैप्सूल्स के साथ हेल्दी बोन्स दो दो भी ले सकते हो तो ये पेन को भी कम करेगा. तो जो डिजनरेटिव चेंजेस है क्रॉनिक जिनको पेन है वो दो दो कर सकते हैं और जो नॉर्मली लेना चाहते हैं वो एक एक लीजिए. ये उसका नॉर्मल डोज है और इसका लेने का टाइमिंग मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर ये न्यूट्रेसुटिकल है मतलब इससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है जो हमें जैसे आप खाना खाते हैं वैसे ही, तो इसको आप खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाने के बाद में भी ले सकते हैं. लेकिन आप जो भी चूज करें दिन में 2 टाइम आप उसका फिक्स कर दें. ओके जी थैंक यू. अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है वो रजनीश कुमार जी से आ रहा है. सर आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर सकते हैं. जी गुड मॉर्निंग मैम। बताना हम चाह रहे थे कि एक मतलब अंकल है, उनका ना पैर टूट गया था पिछले कुछ मंथ पहले, तो उनका दवा लेने के बाद भी मतलब उसमें पेन आता होते रहता है, तो क्या हेल्दी बोन्स देने में फायदा करेगा मैम? जी, बोन्स रिलेटेड कोई भी इशू में आप हेल्दी बोन्स यूज कर सकते हो. अच्छा थैंक यू मैम। ओके वही डोज जो बताए है ना? हाँ डोज एक एक दीजिए. ठीक है, ओके थैंक यू और मैम। फिर आप दो दो करिए. थैंक यू मैम। ओके थैंक यू. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कुलदीप सिंह जी से. सर आप अपना माइक जो है म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं. जितेंद्र गुप्ता जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज. जी मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग. जी मैडम ये जानना था स्पाइन में जो हड्डी बढ़ जाती है जिसे नसें दब जाती हैं, उसमें अपना हेल्दी बोन कितना कारगर होगा और उसका डोज क्या होगा? सेम एक एक 2 टाइम. ओके जी और बोन्स रिलेटेड कोई भी आपको सिम्टम्स है तो हेल्दी बोन्स देना ही है उसमें. ओके और एक एक ही देना है शुरू में और पेन ज्यादा है तो आप दो दो कर सकते हो कुछ समय के लिए लेकिन हेल्दी बोन्स का एक एक डोज रखना है कंटिन्यू. और और इसको कुछ गैप देने की जरूरत नहीं है आप उसको कंटिन्यू रख सकते हो. उसके साथ और कौन सा प्रोडक्ट रहेगा मैम? उसके साथ और भी जैसे हमारे डीएक्सएन के कोर प्रोडक्ट्स हैं आरजी जेल स्पिरुलिना वो तो रहेंगे लेकिन उनके सिम्टम्स क्या है ना उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा. तो कंसल्टेशन के लिए आप क्लिनिक के फोन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास जितना है उतना तो आप फिलहाल स्टार्ट कर दो. ओके हेल्दी बोन्स आप डेफिनेटली दे सकते हो. थैंक यू। ओके नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो अमर डीएक्सएन सेंटर. सर आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर सकते हैं. मैडम गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये हेल्थी बोन्स अब देना किसको नहीं है? ओके तो ये हेल्दी बोन्स के लिए कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है मतलब किसी को कोई भी ऐसा नहीं कि जिसको नहीं दे सकते. जैसे मैंने बताया कि छोटे बच्चों को दे सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को दे सकते हैं है ना. कभी कभी 1 साल के नीचे या 2 साल के नीचे के बच्चे होते हैं उनको हम वो खुद नहीं लेते तो आप उनके माँ को दे सकते हो तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वो ले सकते हैं.
और प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, ये तो हेल्दी बोन्स के लिए कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, क्योंकि इसके जो कंटेंट्स है ना उसकी वजह से सबको दे सकते हैं। थैंक यू अमर जी। हम अभी आज का लास्ट क्वेश्चन लेंगे अनिल कुमार यादव जी से। सर आप अपना जो माइक है अनम्यूट कर लीजिए। जी जी मैम, गुड मॉर्निंग। ये मोरिंगा कैप्सूल के साथ हेल्दी बोन लिया जा सकता है मैम? जी, लिया जा सकता है, क्योंकि मोरिंगा के कुछ अलग बेनिफिट्स है, हेल्दी बोन्स के अलग बेनिफिट्स है, दोनों आप जी, कंबाइन करके दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो जैसे मैम अगर नोनी मोरिंगा और हेल्दी बोन साथ में दिया जाए तो अच्छा रिजल्ट हमारे समझ से मिल सकता जी, है। तो मोरिंगा और नोनी हेल्दी बोन साथ में दिया जा सकता है ना? दी हाँ, दिया जा सकता है साथ में। ठीक, ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपका कोई भी पर्सनल हेल्थ से लेके कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कंसल्टेशन जो नंबर दिया गया है आप उस पे कॉल करके मैम से कंसल्ट कर सकते हैं, और अपने सवालों के जवाब जो है वो ले सकते हैं। और अगर आपका कोई भी ऐसे प्रिस्क्रिप्शन वाला कोई केस है, तब तो भी आप मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्मिता मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इस सेशन के लिए टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच ओके, दोस्तों। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, जो कि होगा मंडे को। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं और छठ पूजा की शुभकामनाएं। आने वाले सभी त्योहार जो हैं आप सबके लिए मंगलमय हो, हम यही कामना करते हैं। आप सब अच्छे से दिवाली मनाइए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डीएक्सएल।